नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में जिनका परिचय दिया हूँ, वैसे मेरे परम आत्म स्नेही बड़े भाई गुरु मित्र सालिग्राम सिंह ठाकुर, वैसे हम गुजरात में जिनको हम श्याम भाई के नाम से जानते हैं, जाने माने संगीतकार भी है और अच्छे कवि लेखक भी हैं। गुजराती पद रचना काव्य गीत काफ़ी कुछ इन्होंने गाए हैं। हमारे स्वर्गस्थ बड़े भजनीक जगमाल भाई बारोट के साथ, परम पूज्य कांदास जी महाराज के साथ और ऐसे जाने माने काफ़ी गायकों के साथ गुजरात में काफ़ी प्रोग्राम इन्होंने किए हैं और इनके मुख से इनकी लिखी हुई गजलें सुनना ये भी एक जिंदगी का एक बड़ा लावा है, बड़ा अवसर है। तो हम विनती करेंगे, गुजारिश करेंगे श्याम भाई से कि श्याम भाई, श्रोताओं को आपको जो पसंद है ऐसी कोई एक दो गजल सुना दीजिए। तो दोस्तों हम सुनते हैं श्याम भाई के आवाज में अच्छी सी और प्यारी सी गजल। धन्यवाद। मित्रों, पालू भाई ने गजल की फरमाइश की है तो मुझे एक गजल बहुत ही जीवन पे आधारित और मेरे खुद के जीवन पे आधारित अनुभव से भरा हुआ एक गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले कुछ शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा और ये राग है मालकोश। सनि सगा उजाला सा कहीं राह में फैला होगा, जिंदगी के सफर में चलता भी अकेला होगा, बोलता होगा तो जहर से भी कड़वा होगा, क्योंकि उसके दुश्मन है बहुत वो आदमी अच्छा होगा। ख्वाबों के घरों से सच्चाई बहुत अच्छी, जन्नत से तो ये मेरी अंगनाई बहुत अच्छी, एहसास के शीशे पे कभी धूल तो जमती है, नादानों की संगत से तन्हाई बहुत अच्छी। निशा सा निशा सा निशा निशा सागा सागा गामा गामा माधा माधा धानी धानी निशा निशा धानी धानी धामा धामा गामा गामा सानी सागा गा सानी सागा सानी सागा। अब ये गजल भूल शायद बहुत बड़ी कली, भूल शायद बहुत बड़ी कली, दिल में दुनिया से दोस्ती कर ली, भूल शायद बहुत
बड़ी करनी भूल बालू भाई। शेर इसमें बहुत अच्छा है कि तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, अरे हमने बर्बाद जिंदगी कर ली, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली, दिन दुनिया से दोस्ती कर ली। कुछ लोग होते हैं जो कभी भी आप कहीं जा रहे हो, और आजकल इस समाज में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, अगर आप उनको बुलाओ तो वो सुनते हैं लेकिन अनसुना कर देते हैं, आप सुनने के बाद भी अनसुना कर देते हैं। इसके लिए एक शेर मैंने लिखा है, उसने नजरें बचा के देख लिया, उसने नजरें बचा के देख लिया, उसने नजरें बचा के देख लिया, और आंखों आंखों में बात भी कर ली, आंखों आंखों में बात भी कर ली, दिन दुनिया से दोस्ती कर ली, भूल कर बहुत बड़ी भूल बहुत ही अच्छा शेर है। आशिकी में बहुत जरूरी है, आशिकी में बहुत जरूरी है, आशिकी में बहुत जरूरी है, क्या कि बेवफाई कभी कभी कर ली, बेवफाई कभी कभी कर ली, दिन दुनिया से दोस्ती कर ली, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, भूल शायद। अभी शेर है ये मेरे ऊपर है कि हम नहीं जानते चरागों ने, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते चरागों ने, हम नहीं जानते चरागों ने क्यों अंधेरों से दोस्ती कर ली, क्यों अंधेरों से दोस्ती कर ली, दिन दुनिया बहुत बड़ी कर दिल में दुनिया से दोस्ती कर ली, भूल सा भूल सा यदि। वाह श्याम भाई क्या बात है, थोड़ा सा आपका परिचय भी दे दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? जी मेरा पूरा परिचय है, मैं यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है रामपुर, जिसके अंदर एक छोटा सा गांव है आसानंदपुर। मेरा नाम एक्चुअल नाम है शालिकराम सिंह, गुजरात वालों ने मुझे श्याम भाई ठाकुर बना दिया है। वैसे मैं
वो श्याम नहीं हूँ, वो श्याम समझने की भूल मत करना। ये गुजरात वालों का आभार है, उन्हें ये नाम दिया मुझे उन्होंने, और इस छोटे सेठ के नाम से मैं यहाँ गुजरात में प्रसिद्ध हूँ जी। तो आप गुजरात के लोगों को गुजरात की संस्कृति, गुजरात के भजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुजरात की संतवाणी में अगर देखा जाए तो यहाँ के जो संतों महंतों की वाणी है, इस विभूति को पाके इंसान धन्य हो जाता है। और यहाँ पे कई ऐसे संत हो गए, जैसे बगदाना वाले बजरंग दास बापू, उनका एक छोटा सा किस्सा मुझे याद है बजरंग दास बापू का, आपके सामने मैं मिसाल रख रहा हूँ, ये मेरे हाजिरी की बात है, मैं उनसे मिल चुका हूँ और उनके चरण स्पर्श कर चुका हूँ, ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है। एक बार हम लोग गए थे बगदाना, बैठे थे तो वहाँ पे एक पति पत्नी आए, उन्होंने ये कहा कि भाई हम संतानहीन हैं, काफ़ी उम्र हो चुकी है हम लोगों की। तो बजरंग दास बापू ने कहा कि क्या हमारे पास संतान बनाने की फैक्ट्री थोड़ी है, मैं तो संत हूँ। लेकिन उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप सिद्ध पुरुष हैं, अगर आपका आशीर्वाद होगा, खाली आशीर्वाद आपका होगा तो हम संतानहीनता से बच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, कुल मिला के मैं तो कोई इतना बड़ा सिद्ध नहीं हूँ कर सकता हूँ, लेकिन हाँ आपके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करूँगा कि आपकी ये संतानहीनता दूर हो जाए। तो एक कागज मंगवाया उन्होंने और उस कागज में कुछ लिखा, लिखने के बाद उसको मादरिया कहते हैं, मादरिया, तो मादरिया बनाया उन्होंने और बोला इसको खोल के देखना नहीं, इसको बांध लो अपने हाथों के बांह में बांध लो, और बांध दिया उन्होंने। और विश्वास से पत्थर करता है ये कहा गया है। बांध के वो गए और एक साल दो साल बाद उनको संतान प्राप्त हुई। जब संतान एक साल का हो गया तो उसको लेके आए, बोले बापू आपके प्रताप से, आपकी कृपा से मैं संतानहीनता से बच गया, ये मेरा बालक छोटा सा आपको प्रणाम करने ले आया हूँ मैं। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन वो मादरिया कहाँ गया, वो कहाँ है? तो बोले ये रहा बापू, मेरी बांह में बंधा हुआ है, खोला नहीं है मैंने। बोले खोल के देखो उसको, क्या है उसमें। तो खोला गया उसको और पढ़वाया, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि तुम्हारे यहाँ संतान हो तो भी मुझे क्या, और न हो तो भी मुझे क्या, ऐसा शब्द लिखा था उन्होंने। तो ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ हुए हैं, बिलखा के सेठ सगारसा हो गए, जिन्होंने अपने दोनों प्राणियों, अपने बालक को वध करके और साधु संतों को खिलाने की कोशिश की, और साधु संतों के रूप में भगवान आए थे उनके पास। इसके बाद जलाराम बापा हो गए और जूनागढ़ के नरसिंह मेहता हो गए, जिनको भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए और उनकी हिंदी पूरी। ये सारी कहावतें हैं, गुजरात में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनकी संतवाणियाँ आज भी गाई जाती हैं, और भजन में ऐसे दो महान संत हो गए, एक नारायण स्वामी, दूसरे कामदास बापू, पूज्य श्री कामदास बापू, जो कि द्वारका में रहते थे, बम्बई में भी उनका स्थान है जी। कामदास बाबू के साथ मैंने वर्षों बिताया है, और कामदास बाबू पहले तो मुझे श्यामलाल कहते थे, कुछ ऐसी बातें मेरे उनके बीच हुई कि मुझे बड़ा प्रधान से संबोधित करने लगे, क्योंकि जो काम मैंने कर दिखाया वो उसकी वजह से वो मुझे बड़ा प्रधान कहते थे। एक बार द्वारका में कामदास बाबू के बगल में राम नाम की धुन बोली जा रही थी,
और वो धुन इतना तेज लाउड स्पीकर करके बोल रहे थे कि कालिदास बापू को पंखे में कागज बांध के करना पड़ता तो कागज खर खर बोले तो राम धुन दब जाए, तब वो जाकर नींद आती थी। तो उन्होंने कहा भाई देखो ये जो धन ध्वन प्रदूषण है ये अच्छी चीज नहीं है, राम का नाम लो ऐसा नहीं कोई कहता कि न लो, लेकिन ध्वन प्रदूषण मत करो, किसी को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन वो माने नहीं बोलो। उसके बाद मैं वहाँ गया जब तो उन्होंने मुझसे ये अपनी वेदना कही, मैं रात दिन सो नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, मैं तो मन में भजन करने वाला आदमी हूँ, किसी को डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने विचार किया, मैं बोला बापू मैं कुछ करता हूँ। मैंने वहाँ से बस पकड़ी सीधा आया जामनगर, यहाँ पर एक DSP थे प्रमोद कुमार झा, बिहार के थे, प्रमोद कुमार झा बहुत ही सख्त DSP थे। मैं पता लगा कि उनके ऑफिस में गया और वहाँ मैंने उसका प्रस्तुतिकरण किया कि ऐसा ऐसा है द्वारका में। तो सरकार के कानून में ऐसा है कि कभी भी आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, चाहे वो भजन ही क्यों ना हो। भजन अगर है तो आप अपने मन में कीजिए, मनोरंजन है, अगर उस भजन को आप मनोरंजन के रूप में ले रहे हैं तो आप इतनी कम आवाज में कीजिए कि किसी और को डिस्टर्ब ना हो। अगर भजन है तो फिर उसको बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मन में कीजिए। ये मेरा मानना है। तो वो परवानगी लेके मैं आया, ले आया द्वारका के पुलिस स्टेशन में जाके दिया, 2-3 पुलिस वाले पहुंचे, उसको बंद करवाए, बोले बंद करो इसको और अपनी एरिया में बाहर किसी को डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, DSP साहब का आदेश। उसी दिन से कांतदास जी मुझे बड़ा प्रधान कहने लगे। तो ये यहाँ गुजरात में आके ये मुझे सौभाग्य मिला है। और अब एक रचना, एक गजल और मैं सुना रहा हूँ। ये भी जीवन का अनुभव है। काटी कहीं पे रात तो काटी शहर कहीं, काटी कहीं पे रात तो काटी शहर कहीं, राह वफा में चैन न पाया मगर कहीं। तुम्हारा राज तुमसे ही न कह पाए तो क्या होगा, खुशी के वक्त भी आंसू निकल आए तो क्या होगा। तुम ही को राह में एक जिंदगी का हम सफर समझा। पालू भाई अरे, अरे, अरे। याद रखने जैसी चीज है। तुम ही को राह में एक जिंदगी का हम सफर समझा, जो तुम भी दो कदम ना साथ चल पाए तो क्या। ये गजल है। फिर मेरी हकीकत जा जाके उनसे जो सुनाई लोगों, कुछ झूठ कहा कुछ सच भी कहा, कुछ झूठ कहा कुछ सच भी कहा, कुछ बात बनाई लोगों ने। मेरी हकीकत जा जाते Thank you.
के जमाने की रीत है और वर्षों से चला आ रहा है। अगर दो प्रेमी आपस में मिलते हैं तो दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको देखना पसंद नहीं करते, उनको जलन होती है। इसके लिए एक शेर लिखा है कि धाए हैं हमेशा जुल्म और सितम दुनिया ने मोहब्बत वालों पर, धाए हैं हमेशा जुल्म और सितम दुनिया ने मोहब्बत वालों पर, दो दिल को कभी मिलने न दिया, दो दिल को कभी मिलने न दिया, दीवार उठाई दो दिल को कभी मिलने न दिया, दीवार उठाई लोगों ने, मेरी हकीकत जा जा कर। दुनिया में आपके आंसू पोछने वाले कम मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी आबरू लूट रही हो तो उसमें हजारों की संख्या इकट्ठी हो जाएगी। इसके लिए एक लिखा है कि आंखों से न आंसू पोंछ सके और होठों पे खुशी देखी न गई, आंखों से न आंसू पोंछ सके और होठों पे खुशी देखी न गई, घर देखा जो आबाद मेरा, घर देखा जो आबाद मेरा, तब आग लगाई लोगों ने, घर देखा जो आबाद मेरा, तब आग लगाई लोगों ने, मेरी हकीकत ज्यादा। आखिरी शेर है कि जब आप अकेले होते हैं जी, आप अकेले पड़ जाते हैं तो आपको साथी नहीं मिलता, लेकिन जब आपकी आबरू लूटती है तो हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। तन्हाई का साथी मिल न सका और मेरी रुसवाई में शामिल शहरी हुआ, तन्हाई का साथी मिल न सका और रुसवाई में शामिल शहर हुआ, पूरा शहर हो गया जब मेरी आबरू लूट रही थी। और यहाँ पे मैंने एक तंज कसा है जी, खास करके मुस्लिम भाइयों के लिए कि तन्हाई का साथी मिल न सका मेरी रुसवाई में शामिल शहर हुआ, पहले तो मेरा दिल तोड़ दिया, पहले तो मेरा दिल तोड़ दिया, फिर ईद मनाई लोगों ने, पहले तो मेरा, क्योंकि दिलों को तोड़ के ईद नहीं मनाई जाती, पहले तो मेरा दिल तोड़ दिया, फिर ईद मनाई, मेरी हकीकत जा जा कर। उनसे जो सुनाई लोगों ने, कुछ झूठ कहा कुछ सच भी कहा, कुछ बात बनाई लोगों ने, फिर मेरी हकीकत जा जा कर, फिर मेरी हकीकत जा जा कर, मेरी हकीकत जा 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 कर। जय हो, जय हो, जय हो।